नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज इंडिया में। और बात कर रहे हैं आज एक बड़ी खबर के बारे में। जी हां, 52 करोड़ रुपए का घोटाला और ईडी वर्सेस ईओडब्ल्यू का बीच हो रही है लड़ाई। बात कर रहे हैं हम आपको भाजपा नेता मोहित कंबोज के खिलाफ 52 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज हो चुका है। लोन हेराफेरी का है पूरा मामला। बता दें, इस घटना के बाद जी हां लगातार जो है सुर्खियों में छा गए मोहित कंबोज। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के मैनेजर द्वारा दर्ज कराई गई है शिकायत, जिसके आधार पर मुंबई पुलिस ने जो है ये केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र में जारी है सियासी जंग ईडी वर्सेस ईओडब्ल्यू के बीच। भाजपा नेता मोहित कंबोज के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 52 करोड़ रुपए के हेराफेरी के मामले में दर्ज की है। इंडियन ओवरसीज के मैनेजर द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर यह मामला लिया गया और अब इसकी छानबीन शुरू हो गई है। बता दें, इसमें सेक्शन धारा 409 और 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।